हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रहा हूँ तीन पत्ती केक। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, दो मैंने पेपर को काटा इस तरह से। ये मैं इस टाइम काट रहा हूँ ठिकरी। तो ये देखिए, ठिकरी रेड कलर से होता है, तो ये रेड फोंडेंट बेल के रखा होता है। और ये देखिए, इस तरह से काटा मैंने, दो दो काटने हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, दो दो कट चुका है। ये लाल पान हो गए और एक ठिकरी हो गए। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए ब्लैक है। अभी इस ब्लैक में से हमें पहले स्याही के है और एक चिड़िया है, तो दोनों के इसके भी दो दो हम काट लेंगे। तो हम पहले स्याही के काट रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसे ये सब बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से काटा, इसको नीचे से निकाल लिया। और ये देखिए, स्याही का पत्ता निकल चुका है। और इसी तरह से हम निकालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, निकल चुका है। दो ठिकरी हो गए, दो लाल पान हो गए, दो स्याही हो गए और दो चिड़िया हो गए। हम बना लेते हैं ट्यूब। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आप लोग कैसे मैं बना रहा हूँ ट्यूब। ये नोजल है हमारे, इलायची वाले नोजल। इसके साथ हम इसको इस तरह से घुमा के देख लिए कि राउंड हो रहे कि नहीं हो रहे। और ये वाइट पट्टी जो है, पाँच छः जो है हम लगाएंगे इसमें। तो हम एक लगा के दिखा रहे हैं पहले आपको। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। और ये देखिए लग चुका है। इसी तरह से हम लगाएंगे पाँच छः इसके अंदर। तो फिर से देखिए, एक दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच लगाएंगे। और ये देखिए लग चुका है। और इस नोजल को सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इसको राउंड कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हो चुका है। अब देखेंगे नोजल कैसे निकालेंगे। इस तरह से नीचे कर दें, नोजल नीचे गिर गए। और एक पट्टी और जो है वाइट, उस जॉइंट के ऊपर हम लगा लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है ट्यूब तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बना लेंगे 8-9। और ये देखिए हमारा बन चुका है 8 से 9। और बना लेते हैं हम डैश, लूडो का जो होते हैं डैश बोर्ड। ये बना रहे हैं हम डैश, इसके अंदर हम जो लूडो होते हैं, ये देखिए लूडो का जो डैश है वो बन चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारा सारे सामान तैयार हो चुका है। ये देखिए लूडो का जो डैशबोर्ड है डैश, ये भी तैयार हो चुका है। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आइसिंग करके रखे हुए थे। और इसके नीचे हम ब्लैक पट्टी लगा रहे हैं, ब्लैक कलर की फोंडेंट। और जो एक्स्ट्रा थे उसको कट कर लिए। और इसको देखिए इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से हम चिपका लेंगे केक के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो है, अब नीचे हम गत्ते के ऊपर क्रीम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे गत्ते के ऊपर भी ऑलमोस्ट क्रीम लग चुके हैं। तो ये देखिए लग गए। अब हम इसको कट भी कर लेंगे। तो ये देखिए कट कर लिए। और ये देखिए तीन पत्ती है। ये देखिए लालपन, गुलाम, बीबी। और ये देखिए सबसे आप फ्रंट पे लगाए मैंने लालपन के जो लोगो काटे थे। और ये स्याही हो गए और ये हो गए चिड़िया। तो इसी तरह से हम सभी लगा लेंगे, जहाँ जहाँ अच्छे लग रहे वहाँ वहाँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लग चुका है साइड में हमारा। अब हम रख लेते हैं डैश। ये देखिए इसके ऊपर हम पहले ट्यूब रखें। ये देखिए जहाँ भी आपको अच्छे लग रहे हैं वहाँ रखिए अपनी सेटिंग से। और ये देखिए लूडो का जो डैश,
ये देखिए यहाँ रख दिए, और जो ट्यूब बचे हुए थे वो भी रख लेंगे हम नीचे दो चार। ये देखिए अब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा केक जो है तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा केक जो है तैयार हो चुका है। आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैं इसी तरह के नई नई केक की वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।